नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन वीडियो होने वाले, क्योंकि दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर फैन थे उनके बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि आप इस पे वीडियो लाएं, इस पे वीडियो बनाएं। दोस्तों ऐसे ही हमने एक सब्सक्राइबर फैन का जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करा है। दोस्तों उसका टाइटल है हजरत ईसा का मौजा मुर्दा औरत से कब्र में जिंदा, मिरेकल्स जीसस स्टोरी। हाँ दोस्तों, जो स्टोरी है काफ़ी, जो टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक ऐसा चमत्कार जिसे आप मौजा बोलते हैं आपकी भाषा में, वो ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर इस वीडियो में हमारे भी रोंगटे खड़े होने वाले और आपके भी होश होने वाले हैं। हाँ सर, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल नहीं तो सब्सक्राइब करें। सर दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मौत एक अटल हकीकत है जिसका मजा हर जी रूह को एक दिन चखना है। इस फानी दुनिया से जाने के बाद इंसान का दोबारा वापस आना या किसी से भी राबता करना एक नामुमकिन अम्र है, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ऐसी कुव्वत और हिकमत अता फरमाई थी जो दुनियावी कानून के बरखिलाफ और अकल को आजिज़ कर देने वाली होती थी, जिन्हें आम इंसान अंजाम देने की कुदरत नहीं रखते हैं। लिहाजा अल्लाह ने अपने सच्चे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक गैर मामूली और हैरत अंगेज़ मौजज़ा अता फरमाया था। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा को नबी मानने से इनकार किया तो अल्लाह ने आपको ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। मुर्दे को जिंदा। ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में दफन मुर्दा शख्स को ज़िंदा कर देते और वो कब्र से सही और सालिम इंसान की तरह बाहर आ जाया करता था। ये अजीबो गरीब और नाकाबिल यकीन मौजज़ा देखकर बनी इसराइल के लोगों का दिल नबी की सच्चाई का यकीन कर लेता था और वो मान लेते कि ज़रूर ये शख्स खुदा का भेजा हुआ है। चाहे ज़िद्दी दुश्मन ना माने मगर दिल यकीन कर ही लेता और अकल वाले आप पर ईमान ले आते। लिहाजा रिवायतों में एक वाकया यूं नकल हुआ है कि एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ तो वहाँ एक शख्स एक कब्र के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। आपने रोने का सबब पूछा तो कहने लगा, ये मेरी बीवी की कब्र है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर चली गई है। हज़रत ईसा ने कहा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे उसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी बीवी को ज़िंदा कर सकता हूँ। उसने बेकरार होकर कहा, जी हाँ ऐसा ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा आपने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हबशी ग़ुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बा आवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उसका ये कहना था कि आग बुझ गया, अजाबे इलाही उससे दूर हो गया और वो कब्र में वापस चला गया। उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। लिहाजा आप दूसरे कब्र पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और उसमें से एक हसीनो जमील औरत बाहर निकल आई। उस शख्स ने देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐ रूहुल्लाह यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। कुछ देर बाद उस पर नींद का गलबा हुआ तो वो वहीं सो गया, उसकी बीवी उसके करीब ही बैठी रही। इतने में वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र हुआ। शहज़ादे ने जब उस औरत को देखा तो वो उसका फरिश्ता हो गया और वो औरत उसे पसंद आ गई, औरत को भी शहज़ादा पसंद आ गया। शहज़ादा उस औरत के पास आया और कहा, तुम इस गरीब शख्स के साथ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया भर की ऐसो इशरत दूंगा। वो बेवफा औरत अपने शौहर को सोता छोड़कर शहज़ादे के साथ चली गई। जब उस मर्द की आँख खुली तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। ढूंढते ढूंढते शहज़ादे के महल तक जा पहुंचा। वहाँ उसे अपनी बीवी नज़र आई तो उसने कहा, ये मेरी बीवी है। शहज़ादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लौंडी है, यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लो। ये सुनकर उस बेवफा औरत ने फौरन कहा, हाँ मैं शहज़ादे की लौंडी हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम बेजा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये सुनकर वो रोता हुआ महल से वापस चला गया। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात हुई तो अर्ज़ किया, ऐ रूहुल्लाह मेरी बीवी जिसे आपने ज़िंदा किया था अब शहज़ादे के पास है, शहज़ादा उसे अपनी लौंडी बताता है और वो भी यही कह रही है कि मैं शहज़ादे की लौंडी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं, आप हमारा फ़ैसला फरमा दीजिए।
लिहाजा हजरत ईसा अलैहि सलाम उसके साथ महल तशरीफ ले गए और उस औरत से कहा, क्या तू वो औरत नहीं है जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था? औरत ने कहा, नहीं मैं वो नहीं हूँ। आपने फरमाया, क्या तू कलमा पढ़ेगी? उसने कहा, नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी, ना आपकी बात मानूंगी। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ। हज़रत ईसा ने फरमाया, फिर तू अल्लाह की दी हुई चीज़ अल्लाह को वापस कर दे। औरत ने कहा, मैं कोई चीज़ भी वापस नहीं करूँगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म और ताकत के आगे उस मामूली औरत की कहाँ चलनी थी। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कलमात कहे, वो झूठी और बेवफा औरत वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और मर गई। अल्लाह ने उसके जिस्म में जो जान डाली थी वो वापस ले ली। हज़रत ईसा ने फरमाया, जो शख्स ऐसे मर्द को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा करके ईमान की दौलत से नवाजा, तो वो उस हबशी ग़ुलाम को देख ले। और जो ऐसी औरत को देखना चाहे जो ईमान की हालत में मरी, फिर अल्लाह ने उसे ज़िंदा किया और वो कुफ्र की हालत में मरी, तो वो इस औरत को देख ले। फिर हज़रत ईसा ने उस इसराइली शख्स से फरमाया, ये बेवफा औरत थी जिसके लिए तुम रो रहे थे। खूबसूरत थी, लेकिन क्या ये तुमसे मोहब्बत करती थी? अब देख लो, अल्लाह के हुक्म से ये तुम्हारे लिए ज़िंदा हुई और अल्लाह ने उसके ही मुंह से निकलवा दिया कि वो तेरी नहीं है। इसलिए अब तुम सब्र कर लो और अल्लाह के फ़ैसले के आगे सर झुका लो। अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। बेशक वो मुर्दों को ज़िंदा करता है और मारता है। मैंने ये मुआजजा तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए दिखाया था। उस शख्स ने तौबा कर ली और ईमान लाकर सजदे में गिर पड़ा। दोस्तों, जो हमने वाक्या देखा, इसमें कहानी सुनाई गई और वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी, मगर दोस्तों हमें सुन के रोंगटे खड़े हो गए। इस कहानी में इतना अच्छा वर्णन बताया गया है कि कैसे एक औरत जो कब्र में मर जाती है, उसका पति उसकी याद में रो रहा होता और वो जिंदा होते, जिंदा होने के बाद वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है लोगों के सामने, वो इस वीडियो में बताया गया है। हाँ दोस्तों, हम भी शौक हो गए वीडियो देख के, जब हमें पता चला कि जो हजरत ईसा थे वो जो मुर्दे लोग होते थे उनको भी जिंदा कर देते थे। तो दोस्तों इस वाक्य में यही बताया गया है। हाँ दोस्तों, इसमें पूरी कहानी बताई गई है। आपने ये कहानी देखी कि दोस्तों एक औरत कैसे मर जाती है, वो कब्र में चली जाती है और उसका पति रो रहा होता है, तभी जो ये हजरत होते हैं ये आते हैं और ये उस औरत को बोलते, उस आदमी को बोलते हैं कि तू क्यों रो रहा है। वो बोलता है कि मैं अपनी बीवी की याद में रो रहा हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ फिर दोस्तों वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और दोस्तों फिर वो जो कब्र होती है दोस्तों उसमें से वो कब्र टूटती है और जो उसकी जो बीवी होती है वो जिंदा बाहर आ जाती है। और जिंदा होने में बाहर आने के बाद जो ये हजरत होते हैं ये वहाँ से चले जाते हैं और ये जो और आदमी होता है उसको गहरी नींद आती है और वो सो जाता है। तो उसकी जो बीवी होती है वहीं उसका वेट कर रही होती है उठने का। और तभी दोस्तों वहाँ पे राजा था, राजा उससे लड़की से बोलता है कि तो मेरी वाइफ बनोगी? वो कहती है हाँ। और दोस्तों यही दिखाता उस औरत की मक्कारी, क्योंकि दोस्तों मरने के बाद भी वो लड़की औरत अपना जो नेचर था, जो जब वो पहले मरी थी तो वो एक ईमानदार औरत होकर मरी थी, मगर जैसे ही वो दोबारा जिंदा हुई तो वो मक्कार औरत बन चुकी। और दोस्तों जब उसका पति आसपास देखता है, जब सो के उठता है तो उसको उसकी वाइफ नहीं मिलती, तो वो दोस्तों आसपास काफी मतलब ढूंढता है, काफी विचलित हो जाता है। फिर वो जाता है अपने राजा के मतलब जो राजा होता है उसकी महल में, देखता है तो उनको वहां पे मिल जाती है। फिर वो अपने उस राजा से पूछता है, ये तो मेरी वाइफ है, पर वो राजा इनकार कर देता है। हाँ दोस्तों, फिर इतने में वो सारा वाक्य अपने जो हजरत है उनको बताता है, क्योंकि जो उन्होंने इसको जिंदा करा था तो हजरत उनके साथ चलते भी महल में पूछते हैं उस औरत से कि तू अपना मतलब कि कलाम पढ़ने के लिए बोलते हो, हाँ। पढ़ नहीं पाती है, उसे कहती कि तू उसकी मतलब कि इसकी अपनी पति की वाइफ नहीं, वो मना कर देती है। तो वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे कि औरत मर जाती है और वही उसका एंड हो जाता है। हाँ दोस्तों, जो मतलब वाक्य था काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों, और जब उन्होंने ये सुना कि वो जो मुर्दे लोग को भी जिंदा कर देते हैं दोस्तों, ये तो काफ़ी मतलब हमारे तो ये रोंगटे खड़े होने वाले वाक्य थे ये। हाँ, क्योंकि दोस्तों जो जिंदा करना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को एक ही बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा मौजा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसी ही आपने बहुत कहानी सुनी होगी, बहुत पावरफुल लोग देखे होंगे, मगर किसी को जिंदा करना किसी एक बंदे की बस की बात नहीं होती, क्योंकि एक लाखों या करोड़ों में एक ही बंदा होता है जिसके पास ऐसी पावर होती है। सो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो, आपको पसंद है लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर नेक्स्ट वीडियो की चीज पे बनाए। नमस्ते दोस्तों।